था, जो हुआ बोला, फिर क्या कर सकते हैं, बोला ठीक है सर नहीं आएंगे। तो अच्छा ये बात सही है, कंपनी किसी का एक पैसा मारती नहीं, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने जो है फियाट कंपनी क्यों छोड़ा था, ठीक है, क्या मैंने छोड़ा था या फिर मेरे को निकाला था। मैंने एक वीडियो डाला था कि मैं गाँव जा रहा हूँ और कंपनी ने मेरे को निकाल दिया है, तो उस पर बहुत सारे भाई लोगों ने कमेंट किया कि भाई एक वीडियो और बनाओ, आपको क्यों निकाला। तो मैंने सोचा अभी मैं गाँव में हूँ, आप लोग देख सकते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए और अपना काम का एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूं आप लोगों से, ठीक है। वहाँ पे क्या काम होता था, मैं कौन सी लाइन पे था, ठीक है, क्या रीज़न था मेरे को निकाला था। तो शुरू से बताता हूँ, मेरा जो है फियाट कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ था 17 जुलाई को, ठीक है, गेट भर्ती हुआ था। मैं किसी भी कैंपस सिलेक्शन से या फिर किसी के थ्रू नहीं गया था, ठीक है। मेरा एक दोस्त था उधर, वो करता था, तो वो बताया कि यहाँ पे गेट भर्ती होती है और उधर MIDC में जितने सारे कंपनी हैं ना, वो ज़्यादातर जो है गेट भर्ती ही लेते हैं, ठीक है, मतलब उसका कैंपस बहुत कम ही लगता है। तो क्या हुआ, मैं गेट पे गया और वहाँ से मेरे को अंदर लिया, क्वालिफिकेशन पूछा क्या है क्या नहीं, मैं बताया। उसके बाद मेरा जो है वहाँ पर मेडिकल वगैरह पूरा कराया गया, मेडिकल में मैं फिट हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग हुआ, पंचिंग कार्ड मिला, ड्रेस मिला, शूज मिला, ठीक है, दो टी शर्ट था, दो पैंट था और दो टी शर्ट, ठीक है, एक सेफ्टी शूज था, सॉक्स नहीं दिया था, ठीक है, पंचिंग कार्ड दिया था जिसको कि मैं डेली मतलब इन आउट करना पड़ता था, जाते वक्त और आते वक्त उसको पंचिंग को लगाना पड़ता था। उसके बाद में सब कुछ हुआ, मेरे को मतलब शॉप कौन से मिला ये भी बताता हूँ। तो मेरे को पहले पूछा क्या तुमने कहीं काम किया है या नहीं, तो मैंने बताया कि हाँ सर, मैं टाटा मोटर्स आनंद में जो नैनो प्लांट है उसमें 5 से 6 महीने किया हूँ। NTTF के थ्रू था, तो उधर 3 साल का जो है डिप्लोमा करा रहा था, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं उधर से छोड़ दिया। तो पूछा कौन से शॉप में काम किए हो, क्या काम किए हो, तो मैं उसको बताया कि हाँ सर ऐसा ऐसा काम किया है इधर में। तो वो सब पूछ के मेरे को क्वालिटी में डाल दिया, वो भी फाइनल लाइन पे, ठीक है। तो क्वालिटी में मेरा काम क्या था, जब मतलब गाड़ी एकदम ओके हो के आती है तो मेरा जो काम था फंक्शनल का, मतलब इलेक्ट्रिकल, गाड़ी का AC चल रहा है कि नहीं, ठीक है, AC हवा ठंडा दे रहा है या गर्म दे रहा है, प्रॉपर स्विच काम कर रहा है कि नहीं, गाड़ी का लाइट वाइट वाइपर से पानी आ रहा है कि नहीं, ठीक है, पीछे का वाइपर, मतलब जितना भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, ठीक है, डोर का ग्लास, मतलब सब चल रहा है कि नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितना भी काम होता था, ठीक है, सिंबल उम्बर, डिस्प्ले, क्लस्टर, जो भी लगता है, जितना भी फंक्शन जो है अभी नेक्सॉन गाड़ी में था, मैं नेक्सॉन का ही गाड़ी चेक करता था, ठीक है। और अभी इसमें बता दूं कितने मॉडल की गाड़ी बनती है, तो ये भी आप लोग सुन, फियाट कंपनी में ना बहुत टाइप के कार बनती है, अभी बहुत सारा मॉडल न्यू भी आ गया होगा, लेकिन जब मैं था ना उधर में, नेक्सॉन की 4 टाइप की कार से बनती थी, ठीक है, स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव, फेयरलेस। तो स्मार्ट में 3 मॉडल की कार बनती थी, जो क्रिएटिव था उसमें भी जो है 3 मॉडल की कार बनती थी, 3 नहीं 6, और जो प्योर था मतलब दूसरे नंबर का, उसमें 3 मॉडल का कार बनता था, और जो फेयरलेस था उसमें भी 6 मॉडल का कार बनता था। अभी नाम बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो लो मॉडल का है उसमें थोड़ा कम फंक्शन रहता था, ठीक है, जो टॉप मॉडल का है उसमें थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी दिया जाता था, ठीक है, किसी में सनरूफ है ऊपर का, मतलब जो विंडो होता है मतलब उसमें से खड़ा होकर हवा हवा लेने के लिए, किसी में नहीं है, जो टॉप मॉडल का है उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फंक्शन चीज आते थे, ठीक है। तो मैं ही मतलब मैं गाड़ियों का कौन सी गाड़ी में कौन सा पार्ट आता है और सही बैठा है कि नहीं बैठा है, साथ में दूसरे गाड़ी का तो पार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे इस गाड़ी में, जैसे जो स्मार्ट का लो मॉडल होता था, स्मार्ट गाड़ी में 5 ही गियर का आता था, ठीक है, GSL होता था, जो गियर सिलेक्टिव लीवर होता था जिसको हम लोग पकड़ के गियर लगाते हैं ना, तो वो और सब गाड़ी में 6 नंबर का आता था, उसको भी देखना पड़ता था कि मतलब इस गाड़ी को यही चीज़ आना ही चाहिए, ठीक है, अगर नहीं आता है तो हमको एक स्टम्प मिला था
स्टम नॉट ओके पे मतलब कार्ड होता था, उसमें ओके नॉट ओके रहता था, ठीक है, गाड़ी का कार्ड रहता था, पूरा नंबर रहता था, तो उस पर मैं जो है अगर गाड़ी ओके है तो ओके और नॉट ओके है तो नॉट ओके, उसमें भी पॉइंट भी डालना पड़ता था, ठीक है, एक पेंसिल दिया गया था, तो जो उसमें दिक्कत है जो परेशानी है तो उसमें पॉइंट डाल के स्टम मार के छोड़ देने का। उसके बाद में क्या है, प्रोडक्शन वाले रहते थे, ठीक है, तो गाड़ी जो है जी नहीं होती थी तो उधर ही रुक जाती थी, तो प्रोडक्शन वाले उसमें क्या दिक्कत है, मैंने क्या पॉइंट डाला है सब कुछ देख कर उसको ओके करते थे, तो दोबारा से लाइन पे जो है गाड़ी डालते थे, तो उसके बाद मैं चेक करता था अगर गाड़ी ओके है तो ओके मार के छोड़ देता था। तो बस इतना ही काम मेरा था। तो क्या हुआ कि एक दिन मतलब ये जो मकर संक्रांति था इससे दो दिन पहले 13 तारीख का दिन है मुझे याद है, और क्या हुआ कि मैं गाड़ी चेक कर रहा था, गाड़ी दो लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल, एक मैं था और एक बिहार का लड़का था, ठीक है, मतलब वो आया था नया नया, मैं तो उधर 6-7 महीने से काम कर रहा था, वही काम मेरे को दिया गया था, उसमें पूरा मैं एक्सपर्ट हो गया था कौन सी गाड़ी को क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है, तो मेरे से एज में थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, और वो मतलब ऑलराउंडर था, उसको सभी काम लगभग से आते थे और मेरे से वो बहुत पहले से था, ठीक है। तो मैं अपना गाड़ी चेक कर रहा था, वो एक गाड़ी वो चेक करता था, एक गाड़ी मैं चेक करता था, तो वो आगे वाला गाड़ी चेक करके पीछे मतलब आया, ठीक है, और मैं जो है ईवी गाड़ी चेक कर रहा था उस दिन, मेरे को अच्छी तरीके से याद है, और ईवी गाड़ी को क्या है ना, गाड़ी को बिना स्टार्ट किए आप लोग जो है, मैं जो है रिवर्स लैंप नहीं देख सकता, उसको गाड़ी को स्टार्ट करना ही पड़ता है, तो गाड़ी को स्टार्ट किया, रिवर्स लगाया, उसके बाद पीछे में एक शीशा लगा होता है देखने के लिए कि लाइट जल रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा काम ही है लाइट वाइट चेक करना, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ठीक है। तो मैं जो है जैसे ही मतलब पीछे अपना मतलब लगा था, वो होता है ना ORBM जो बगल में शीशा रहता है, उसमें देखा तो नहीं दिख रहा था, गाड़ी थोड़ा सा आगे हो गई थी, तो पीछे अपना मुंडी निकाल के और देखा तो लाइट मतलब जल रहा था, और अचानक से मेरा पैर जो है एक्सीलेटर गाड़ी पे चढ़ गया, और ईवी में क्या है नंबर तो होता नहीं है, रिवर्स और ड्राइव होता है, मतलब ड्राइव लगाए तो एक्सीलेटर हल्का भी लिए आगे जाएगा बहुत तेज़ से, और अगर रिवर्स में है अगर एक्सीलेटर पे पैर गया तो बहुत तेज़ से गाड़ी पीछे आएगी, तो वहीं मेरा गलती से पैर एक्सीलेटर पे पड़ गया, और तुरंत मतलब अचानक से गाड़ी पीछे आई धड़ाम से, मतलब दो गाड़ी मतलब जिससे आई जो पीछे खड़ी थी, पीछे तो बहुत सारी मतलब गाड़ी खड़ी थी, लेकिन मेरे को आता था चलाने भी, मैं बहुत दिन से उधर में काम था कि गाड़ी को कैसे कंट्रोल करते थे, मतलब लगभग से मैं गाड़ी को अच्छी तरीके से चला सकता हूँ, ठीक है, और वहीं डेली का वहीं काम है मेरा, चेक करना आगे पीछे, रिवर्स लगाना, ठीक है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लाइट वाइट जल रहा है कि नहीं, वॉइस कमांड बोल रहा है कि नहीं, ठीक है, मतलब ऑटो गाड़ी था। तो पीछे जैसे ही अचानक से गई, एक गाड़ी पीछे खड़ी थी नेक्सॉन की ही थी, और एक ईवी, जिससे मतलब मैं जिसमें बैठा था आगे वाले में, अचानक से पीछे गई जो खड़ी थी, दोनों का टक्कर हो गया, तो जो मेरी वाली गाड़ी थी उसका हैच जो था पूरा डिग्गी अंदर की ओर घुस गया, और जो पीछे गाड़ी था उसका पूरा मतलब आगे का बोनट वगैरह पूरा डैमेज हो गया। उसके बाद सब साहब लोग आए, लाइन रुको, ऐसा ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, सभी बारी बारी से पूछने लगे, बताया ऐसा ऐसा बात है, अभी क्या ज़्यादा कुछ तो बोले नहीं मेरे को, जो था भाई, अब गलती तो हो गई, गलती इंसान से ही होती है, अभी मैं जानबूझ के थोड़ी ना करूँगा, क्योंकि मेरा भी अपेंटिस था, 6 महीने कंप्लीट होने वाला था, क्या मैं जानबूझ के ऐसा करूँगा गलती, मेरे भी लाइफ पे थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना। तो मेरे को HR मिले गए, एक दो दिन बुलाए, और 14-15 को शायद मकर संक्रांति था, तो उस दिन बुला के बस दिन भर बैठाए रहे, और हमको लगता है मकर संक्रांति था इसीलिए नहीं निकाले उस दिन, ठीक है। उसके बाद में 16 तारीख को मैं गया, तो दिन भर बैठा था ऑफिस में, खाना भी मस्त आराम से खाया, तो हम दोनों लोग साथ में ही थे। उसके बाद में क्या था कि लास्ट में हम लोग मतलब जनरल शिप में बुलाए थे, तो जनरल शिप जो है 8:30 से चलता है 4:45 तक, ठीक है, तो वहीं 4 बजे बोले कि अभी कल से तुम लोगों को आना नहीं है, ठीक है, कंपनी ने तुम लोगों को जो है टर्मिनेट कर रहा है, तुमने इतना बड़ा काम किया है और ये सब के लिए यही है, ठीक है, अगर कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, ठीक है, अभी कुछ भी करता है तो उसको डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लड़कों का कमी नहीं है, मेरे को पता है, डेली 100-150-125 बंदे जो है नए नए लेते ही रहते हैं। तो अभी रिक्वेस्ट भी किया कि सर जाने दीजिए, गलती हो गई,
और मेरा पेंटी से मेरा लाइफ जो है थोड़ा दिक्कत में आ जाएगा। अभी फिर से करूँगा तो टाइम लगेगा, अभी 6 महीने हो गया है कैसे कैसे करके। फिर नहीं माने, फिर क्या था, जो हुआ बोला, फिर क्या कर सकते हैं, बोला ठीक है सर नहीं आएंगे। तो अच्छा ये बात सही है, कंपनी किसी का एक पैसा मारती नहीं, ठीक है। वहाँ पे मैंने जो है लाखों का कम से कम तो मेरा मान लीजिए अगर उसको सही कराएंगे दुकान पे तो खर्चा आएगा, लेकिन कंपनी में तो बहुत सारा जो है वही काम है उसको तो 2 मिनट में सही कर देंगे। फिर भी मेरा पैसा नहीं काटा, मैं जितना भी काम किया था उधर से 19-20 तारीख को घर आ गया था, लेकिन मेरा पेमेंट टाइम टू टाइम 31 तारीख को हो गया। तो कंपनी सही है, ठीक है, कंपनी मतलब गड़बड़ नहीं है, आप लोग अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं क्वालिटी में था काम का, मतलब काम भी मेरा एकदम आराम का था, क्वालिटी में काम भी आराम का ही होता है। और मतलब मेरे को क्वालिटी में ना कुछ काम उम करना ही नहीं था, बस देखना था, उसको दिमाग का काम था सब, अगर है तो है नहीं है तो नॉट ओके मार के पॉइंट डालो क्या नहीं है, बस यही था। लेकिन अगर आप लोग लाइन पे जाते हैं तो वहाँ पे हाँ थोड़ा बहुत आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, अगर आप लोग कहीं काम नहीं किए, अगर काम किए तो अच्छी बात है ना। और इसीलिए अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है और गेट पर जाते हैं कि हाँ सर हम वहाँ पे 1 साल काम करके आए हैं टाटा मोटर से या मारुति सुजुकी से, तो आप लोगों का एकदम आसानी से भर्ती हो जाएगा फर्स्ट ट्रेनिंग के रूप में, ठीक है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो वहीं आप लोग ट्रेनिंग या टेम्परेरी के रूप में जाएंगे। अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं कि फियाट कंपनी में कैसे ज्वाइन करें तो मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना दिया है, ठीक है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अगर कुछ गलती से कुछ मेरे मुँह से उल्टा सीधा निकल गया हो तो क्षमा कीजिएगा, और मैं किसी कंपनी का जो है बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस एक जानकारी के पर्पज़ से ही वीडियो बनाया हूँ। तो बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।